वहीं अब पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई लेने के अपने फैसले को वापस ले लिया। आमिर ने ये घोषणा पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच मिसबा उल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस के बाहर होने के बाद की। इन दोनों से ही आमिर के मतभेद थे। मिसबा और यूनिस ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान होने के बाद अपने अपने पदों से हटने का फैसला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के पद छोड़ने के बाद आमिर ने बताया कि वो टीम के लिए उपलब्ध है। वहीं आपको बता दें कि इस साल जनवरी में बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने घोषणा की थी कि अगर कोई नया प्रबंधन होता है तो वो खुद को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए उपलब्ध कराएंगे, वरना नहीं खेलेंगे। आमिर ने उस वक्त ट्वीट कर लिखा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए तभी उपलब्ध रहूंगा जब ये प्रबंधन चला जाएगा। वहीं से पहले दिसंबर में एक इंटरव्यू में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने घोषणा की थी कि वो मुख्य कोच मिसबा उल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस सहित शीर्ष प्रबंधन के साथ असहमति के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई ले रहे हैं। दूसरी ओर मिसबा उल हक और वकार यूनिस ने आमिर के आरोपों का खंडन किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने आमिर को व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बनाया। बता दें कि मोहम्मद आमिर ने 28 साल की उम्र में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। तब दिग्गजों ने उनके इस फैसले की काफी आलोचना की थी। उन पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए ऐसा करने के आरोप भी लगे थे। लेकिन कुछ वक्त बाद इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने संन्यास की असली वजह का खुलासा किया था। आमिर ने अपने करियर में 36 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 144 विकेट हासिल किए, जबकि 61 वनडे मैच में उनके नाम 106 विकेट है। वहीं 50 टी20 मुकाबले में 74 विकेट लिए। आमिर ने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान को कई जीत दिलाई। अब देखना होगा कि संन्यास से वापसी के बाद क्या उन्हें टीम में चुना जाएगा।